हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आप सभी का। होली का अवसर हो और बिहार में दही बड़ा ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। दही बड़ा फेमस है बिहार का और ये खाने में बहुत टेस्टी होता है। होली का अवसर हो और वैसे भी रमज़ान का महीना चल रहा है और ईद के अवसर पर अपने गेस्ट को खिलाएं ये टेस्टी सा दही बड़ा। बहुत ही आसान है बनाना, चलिए बनाते हैं। मैंने एक कटोरी जो है उड़द दाल लेकर के भिगो दिया था रात भर और ये बहुत ही बढ़िया जो है भीगने के बाद हो गया है, काफ़ी फुला फुला सा हो गया है। अदरक और हरी मिर्च डाल के हम इसको ग्राइंड करेंगे। देखिए हमारा दाल पिस गया है। यहाँ पर हम थोड़ा सा जो है इसमें नमक मिला देंगे और इसको हम खूब फेंटेंगे, क्योंकि जितना हम फेंटेंगे उतना ही ये फ्लफ़ी होगा और हमारा वड़ा बहुत अच्छा बनेगा। तो इसको फेंटते हैं पहले हम। तो दाल बहुत अच्छे से मैंने कम से कम 5 से 7 मिनट मैंने इसको फेंटा है। अब हम इसको क्या करते हैं, आधे घंटे के लिए कम से कम ना ढक के छोड़ देंगे। वैसे तो आप जल्दी भी बना सकते हैं अगर इंस्टेंट बनाना है, लेकिन आप अगर इसको आधे घंटे के लिए ढक कर रख देंगे तो आपका वड़ा और भी ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो देखिए फेंटने के बाद कितना बढ़िया हो गया है ये। तो इसके बाद जो है हम इसमें थोड़ा सा हींग मिला देते हैं। उसके बाद इसमें हम थोड़ी सी जो है काली मिर्च जो है दरदरा कूटा हुआ ये मिला देंगे, इससे बहुत अच्छा स्वाद आ जाता है। हम मिक्स कर देंगे। दही बड़ा बनाना मेरे लिए एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था, मैं बना नहीं पाती थी। तो मैंने ये ट्रिक यूट्यूब चैनल पर ही देखा। एक कटोरी लेकर उसके ऊपर बस पॉलीथीन लगा देना कोई भी साफ सा, उसके ऊपर भी तेल लगाएंगे और अपने हाथों में भी तेल लगाएंगे और इस तरह से जो है देखिए रख करके अगर आप बनाएंगे ना तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। खैर मैं तो अब बहुत आसानी से दही बड़े बना लेती हूँ। तो देखिए यहाँ कितना बढ़िया निकल गया है और इसको जो है तेल मध्यम जो है गर्म होना चाहिए, नहीं तो जल जाएगा। आँच भी हम रखेंगे कम और इसको जो है हम सबों को डाल देंगे। तो देखिए हम एक एक करके सारा दही बड़ा इसमें डाल देंगे। बिल्कुल तुरंत तो इसको नहीं चलाना चाहिए। तो देखिए कितना अच्छा से हो रहा है, बिल्कुल टूट भी नहीं रहा है। थोड़ी देर के बाद ही चलाना है, तुरंत नहीं चलाना है। तो ये मध्यम आंच पे धीरे धीरे जितने भी बड़े हैं हम फ्राई कर लेंगे। बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, होली पे तो ज़रूर खाते हैं अभी हम बिहारी, तो बिहार में तो फेमस है दही बड़ा। होली पर खाना तो एकदम बनता ही बनता है। ये लाल करेंगे दोनों साइड से। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग। लाइक कमेंट करके बताइए कि कैसी होती है मेरी रेसिपी। तो दही बड़ा हमारा हो चुका है और इसको जो है तुरंत जो है हम निकालेंगे कढ़ाई से। ये देखिए कितना बढ़िया बना है ये, और इसको निकालते ही हमें तुरंत पानी में डाल देना है। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ये। इससे क्या होगा कि इसका सारा ऑयल भी निकल जाएगा और फिर जो है इसको हम इसका पानी जो है दबा कर निकाल देंगे। बस 3 से 4 मिनट हमें रखना है। इसमें आप हल्का सा नमक और हींग भी डाल सकते हैं, वैसे हम लोग बिहार में नहीं डालते इसलिए मैंने नहीं डाला है। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे और फिर इसको जो है 2 मिनट के बाद जो हम इसको अच्छे से पानी निकाल करके प्लेट में रखेंगे। तो अच्छे से पानी में डूब गया है, इसको निकाल लेंगे हम और इसको जो है हल्का सा हल्के हाथों से दबाएंगे। देखिए पानी निकल गया है इसका और इसको हम फिर रख लेंगे सभी हम बारी। तो देखिए कितना बढ़िया दही बड़ा बना है और कितना बढ़िया शेप आया है, बिल्कुल टूटा नहीं है। तो आप इस कटोरी वाली जो है ट्रिक से ना दही बड़े अच्छे बना सकते हैं। दही बड़े हमारे सारे जो है देखिए बहुत अच्छे बनकर निकल चुके हैं। तो अब हम इसकी सर्विंग तैयार करते हैं। सबसे पहले इस पर जो है हम दही डालेंगे, खूब अच्छा से दही डालेंगे, खट्टी दही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद जो है हम डालेंगे इमली की चटनी। इमली की चटनी के बिना तो दही बड़े का मज़ा ही नहीं है दोस्तों। तो इमली की चटनी तो इस पर खूब भर करके डालेंगे अपने स्वाद के हिसाब से। और फिर हम इसके ऊपर कुछ सूखे मसाले डालेंगे, जैसे लाल मिर्च जो है कुटा हुआ या भुना हुआ आप डालेंगे तो ज़्यादा टेस्टी लगेगा। लाल मिर्च पाउडर भी हम डाल सकते हैं और फिर काला नमक डालेंगे,
भुना हुआ जीरा होता है वो डालेंगे। और ये देखिए कितना अच्छा हमारा प्लेट जो है दही बड़े का बनकर तैयार हो चुका है। तो दोस्तों आप लोग जो है दही बड़े को एंजॉय कीजिए, मैं चलती हूँ अगली रेसिपी की तैयारी करने के लिए। अगली रेसिपी तक के लिए बाय बाय।